साधना टेरेस गार्डन से साधना बात कर रही हूँ। आज हम लोग 2 मिनट में पिज्जा बनाना सीखेंगे। कैसे पिज्जा बनता है? ये हमारा बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है, ये हम मैदा ले रहे हैं, और ये स्वीट कॉर्न है। आप जो भी जी चाहें वो वाला आइटम डाल सकते हैं। ये हमारा ऑनियन है। कैप्सिकम का बनाना चाहें तो आप कैप्सिकम का बना सकते हैं, टोमेटोज का बनाना है तो आप टोमेटोज का बना सकते हैं, और ये हमने अमूल का चीज़ लिया है। जैसे ये दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 3 स्पून मैदा लेंगे। स्पून ज़्यादा ऊपर तक भरी नहीं है, एक लिमिट का है। जो ऊपर तक हमारी लेयर होती है बस उतना ही ज़रूरी है। ये हमने 3 स्पून मैदा ले ली है दोस्तों। अब हम इसमें ये चुटकी भर बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे दोस्तों। ये 1 पिंच हम इसमें सोडा लेंगे, और 1 पिंच ये इसमें सॉल्ट लेंगे, डाल के बनाना है दोस्तों। ये इसमें हम 2 स्पून करीब मिल्क डालेंगे। वैसे ये पानी से ही बनाया जाता है दोस्तों। मैं मिल्क इसलिए डाली हूँ कि हमारे बच्चों को हेल्दी फूड मिलना चाहिए। इसको हम अच्छी तरह से फोक से या स्पून से मिक्स कर देंगे। लोग दोस्तों बटर भी इसमें डाल के खाना पसंद करते हैं, तो आप शुरू में पेस्ट बनाते समय थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं, या पेस्ट आपका जब बन जाए तो थोड़ा सा बटर लगा दीजिए ऊपर की साइड में, और उसके बाद आप सॉस लगा दीजिए। अब इसमें हम 1 स्पून पिज्जा सॉस डालेंगे, इसको चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। और इनो डालेंगे। सीजनिंग डालेंगे और चीज डाल देंगे। अब की बार हम ऑनियन डाल देंगे। आपका मैंने प्लीज चीज को आप ऊपर की तरफ भी डाल सकते हैं और बीच में भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास मोजरेला वाला है या क्यूब्स वाला है। क्यूब्स वाला है तो उसको घिसके इसमें डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव में प्लेट के ऊपर आप कप रख दीजिए। ये हमारा प्लेन माइक्रोवेव मोड में है दोस्तों। बस इसको हम हाई फ्लेम पर और 2 मिनट के लिए टाइम देकर लगा देंगे। ये हमने सेट कर दिया है और इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इसमें चल रहा।